हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुलेखा लाइफस्टाइल चैनल में आपका वेलकम है। टुडे माय हस्बैंड इज बर्थडे, आई एम गोइंग टू मेक होममेड केक। कम एंड यू कैन सी दिस। एंड आइए गाइस, आपको दिखाते हैं आज मैं होममेड कैसे केक बनाती हूँ। वैसे तो होममेड केक में बहुत चीजें मैं यूज कर रही हूँ, बट मेरे पास कुछ है आइटम उससे मैं बना रही हूँ केक हस्बैंड के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ये है लेमन केक कुकीज एंड ये है मेरे पास रसगुल्ले जो मैंने घर में बनाए हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इनको कट करूंगी। चलिए सोचते हैं क्या डिजाइन बनानी है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ ऐसे, ये मैंने कट करके रख लिया था। मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ डिजाइन बनाना चाहती हूँ, तो देखते हैं कैसा बनता है आज का केक। आई होप आप भी इंजॉय करेंगे और हम भी। तो अब इसमें क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ बीच में रखती हूँ कुकीज, पता ये कैसा लग रहा है आप लोगों को। और कुकीज रखने के बाद और क्या रख नहीं है, नॉर्मल सा है, अपनी क्रिएटिविटी है बस करनी है। और ये कुकीज़ को देखती हूँ सेट करके कैसा अच्छा लगेगा हमें। देखिए बीच से मैंने कट कर दिया है, कुकीज़ रखती है। अब लिया है मैंने जैम, जो जो मेरे पास अवेलेबल था मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जैम को मैं साइड से डेकोरेट कर दूंगी केक के, अच्छा भी लगेगा और देखने में, और बच्चों को भी बहुत पसंद है जैम। तो जानते हैं बच्चे जैम बहुत अच्छे पसंद करते हैं। तो अगर आपके पास है, आपको बनाना है केक, तो आप ऐसे न्यू क्रिएटिविटी कर सकते हैं घर पे ही रहकर कुछ कुछ, और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। बहुत इजी है ये, मेरा बेटा भी साथ में है, इंजॉय कर रहा है और मुझे बता रहा है बीच में। तो ये देखिए मैंने किसी उसके ऊपर रख दिया, होम मेड रसगुल्ला मैंने बनाया है। पहले कट लगाऊंगी, सोच रही हूँ उस पर सेट कर दूँ अच्छे से, ताकि इधर उधर रसगुल्ला हमारा भागे ना। आराम से इसको सेट कर दिया हमने, ये देखिए। अब देखते हैं इसमें क्या कमी रह गई है। तो ये कुकीज़ है, सोच रही हूँ कट करके इसको साइड साइड में ऐसे फ्लावर के जैसे मैं डेकोरेट कर देती हूँ। तो बहुत सॉफ्ट है, इसको आराम से ही मैं अपने हैंड पे ही रख के लाइट से बस कट लगा दूँगी। ये देखिए येलो एंड वाइट कुकीज़। तो ये कुछ दिन पहले सामान जब घर का, जैसे आजकल आ रहा है वन वन मंथ पे इकट्ठे ही सारा सामान आ जाता है, तो बस मेरे पास था, नहीं तो मैं होममेड केक बनाती। इससे पहले मैंने बनाया है बेटे के बर्थडे पे। और ये देखिए कुकीज़ में से ही जो डेकोरेट था, इसमें कुछ कुछ मटेरियल मैंने लगा दिया है ऊपर से, और जो उसमें से निकल गया था फिर से मैं डालकर उसको सेट कर रही हूँ उस पर। वो देखिए लग रहा है ना खूबसूरत हमारा केक, होममेड बिना किसी झंझट के बन गया ना केक बढ़िया वाला। तो आप भी ऐसे घर पर रहकर कुछ कुछ ट्राई करते हैं। मेरे पास फ्रूट हैं तो मैंने लिया है ग्रेप, रेड वाला ग्रेप्स है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी। तो उसको मैं इसमें डेकोरेट कर दूँगी, देखने में बहुत अच्छा लगेगा ये। ये देखिए मैंने कट कर दिया है, हाफ हाफ करके इस पर मैंने इसको सेट कर दिया है। आई थिंक हमारा केक कंप्लीट हो गया है, कि और इसमें ज़्यादा डेकोरेट नहीं करूँगी कुछ भी, साइड साइड से मैं रख दूँगी ग्रेप्स। तो ये देखिए मैंने ग्रेप्स भी इसमें, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कंप्लीट हो गया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस मैंने ऐसे ग्रेप्स में साइड साइड से रख दिए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, वाओ। तो रेडी हो गया है हमारा बर्थडे केक। तो ऐसे आप घर पे आप डेकोरेट करिए। चलिए अब बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन करते हैं और एंजॉय करिए आज का बर्थडे पार्टी। सिंपल सी है, घर पे ही मैंने प्रिपरेशन किया, आपको अच्छी लगे आज का वीडियो। अगर मेरा अच्छा लगे बर्थडे पार्टी का, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड हमारे साथ जुड़ जाइए। लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए बस इवनिंग हो गई है और हमने टेबल डेकोरेट कर दी है केक एंड कुछ स्नैक्स के साथ। तो एंजॉय करिए हमारे साथ इसकी बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कुछ नया लेके आऊँगी।
तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।